गुड मॉर्निंग गाइस। मम्मी के आने से पहले मैंने बहुत सारे एवोकाडोस मंगाए थे मम्मी के लिए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कुछ टेस्टी बना के दूं उनको। तो कल मैं बेक्ड नाचोस ले आई और आज बना रही हूँ गुआकामोली। अभी मैं दो एवोकाडो ले रही हूँ जो हम दोनों के लिए काफी होंगे। बिना बीज के संतरे आते हैं, वो नींबू नहीं आते। धनिया और ग्रीन चिली मैंने गार्डन से ले ली आज। ये लोकल नाचोस ले लिए थे कल मैंने, काफी रीजनेबल थे और बेक्ड भी थे, बहुत हेल्दी लग रहे थे, सॉल्ट भी ज्यादा नहीं था। बहुत टेस्टी बिटिया, मैं टाकोस विद गुआकामोली का मजा ले रही हूँ ब्रेकफास्ट में। मम्मी ने फर्स्ट टाइम खाया, अच्छा लगा मम्मी को। इसका काफी इंडियन फ्रेंडली टेस्ट है ना, इसलिए इंडियन लोगों को पसंद आता है। टमाटर प्याज डालने से, हरी मिर्च हरा धनिया डालने से इंडियन सारा भेलपुरी का कॉम्बिनेशन है इसमें, चाट वाला। बस एक अवोकाडो ही अलग, लेकिन अवोकाडो अच्छा लगता है इस कॉम्बिनेशन में। आज तो हम पूरा दिन कहीं जा नहीं पाए क्योंकि लिफ्ट में एक तो रिपेयर चल रहा था पूरा दिन और इवान की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो ओडिन ने आज प्लान बनाया कि मम्मी को लेक साइड पिकनिक लेके ही जाएगा। हमने सारी हॉटपॉट की सब्जियां काट के पैक करके रख लिया। कैंपिंग ट्रिप मम्मी के साथ इस बार। इवान बहुत बुरी तरह बीमार है, बट ओडिन जी को जाना ही है आज, ठान ली इन्होंने मम्मी को लेके जाएंगे। मम्मी भी तैयार हो गई है बहुत अच्छे कपड़ों में। अभी दोपहर भी नहीं हुई है, हम लोग निकल रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है। Cute you're looking. Big tower. You want to baba? तो मैंने ना एक्चुअली ओडिन को बोला था कि इसको नहीं लेके चलते हैं, बीमार है ये, बट ये काफी दिन से बीमार है और काफी दिन से हम घर पे ही बैठे हैं। तो ओडिन को लग रहा था कि कुछ घंटे इवान टेंट में रेस्ट कर लेगा, क्या ही हो जाएगा। यहाँ पे लोग रस्सियां कूद रहे हैं कितने देर से है ना। तो इवान यहाँ आने के बाद एक घंटे तक अच्छे से खेला, लेकिन उसके बाद इसको अचानक से बुखार चढ़ गया। No, but you're sick, Ivan. You have so much temperature. You're such a strong boy. When we be strong boy, and you cute won't, boy. You break the tent. You don't need to break the tent. Strong boys can do good things too. Like they can help other people lift heavy things, na? Yeah. Yeah, and strong boys, they can help good people fight with the bad people. Yeah. And strong boys can also make big rockets. Do you want to make a big rocket? No? Why? Are you scared? Yeah. Big rocket has no control. You can't control it. You can control it from the control panel. Even don't put finger in the mouth. The fingers can be dirty. They can put more germs in your mouth. थोड़ी देर में ओडिन का हॉटपॉट बन के तैयार हो गया था, मुझे बुला रहा था, और इवान का भी बुखार थोड़ा कम हो गया था, तो मैं उसको लेके बाहर आ गई। ओडिन ने इवान का फेवरेट सॉन्ग लगाया हुआ था, ब्लाइंडिंग लाइट्स, ताकि उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग इवान? बिगर? हाँ, उतर गया बुखार।
मम्मी यहाँ पे खा रही है। इवान का फीवर थोड़ी देर के लिए उतरा, फिर से चढ़ गया। हॉटपॉट वगैरह खाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि इवान का फीवर बढ़ता ही जा रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। यहाँ पे लोग खेल रहे हैं गेम्स वगैरह, बैडमिंटन, कुछ लोग ऐसे चिल मार रहे हैं। यहाँ पे प्री वेडिंग शूट हो रहा है। इवान को इतनी ठंडी लगने लगी थी कि मैंने अपना जैकेट उतार के भी उसको लगा दिया। 48 hours later. ये कैसे खड़ी है बाइसाइकिल? नहीं, किसी ने रखी है मुझे तो लग रहा है। वहाँ शंघाई बाइसाइकिल आर्ट इंस्टॉलेशन। तो यूजुअली ऐसा होता है ना, जब भी इवान बीमार पड़ता है, सर्दी खांसी होती है, उसको बुखार होता है, लेकिन सिर्फ रात को होता है, दिन में ठीक हो जाता है। बट लास्ट 3 दिन से इसको दिन रात दोनों बुखार चढ़ रहा है। आज सुबह इसका बुखार थोड़ा कम रहा, तो मैंने सोचा इसको घुमाने ले जाती हूँ क्योंकि मुझे मम्मी को घुमाने ले जाना ही है। मम्मी के कुछ ही दिन है यहाँ पे, मम्मी कुछ दिन से अकेले घूमने जा रही, तो आज मैंने सोचा मैं मम्मी के साथ जाऊंगी ही अगेंस्ट माई बेटर जजमेंट। ओडिन को भी आज मैं नहीं लाई क्योंकि मुझे लगता है ओडिन पार्क्स में घूमते घूमते बोर हो जाता है और वो इतना फास्ट चलता है, हम लोग कैचअप ही नहीं कर पाते कभी। कितना सुंदर लग रहा है ये पार्क, गार्डन जो भी है। इसमें बुकेज तैर रहे हैं, फ्लावर्स वाले फ्लोट हो रहे हैं, काफी हैवी हैं। मैं किसी से तो एंकर करके रखा होगा इनको, किसी रस्सी वस्सी से, नहीं तो सारे फ्लोट हो जाएंगे। इवान बड़ा इरिटेट हो रहा है क्योंकि उसको जुकाम हुआ हुआ है। मम्मी तो देख के खुश हो गई है। हम लोग एक बार घूमते घूमते रात में आ गए थे, एकदम अंधेरा था तो भी अच्छा लग रहा था। मम्मी ने बोला कि दोपहर में आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा ये, तो वाकई में मैंने इमेजिन नहीं किया था इतने कलरफुल दिखेंगे। आपको लगा था ना, इसमें पत्ते भी हैं, कुछ कुछ फूल हैं। ये देखो पत्ते हैं, ये वाले फूल हैं, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। वहाँ पे वेडिंग शूट भी हो रहा है कहीं, प्री वेडिंग शूट, और उसके इस साइड में लोगों ने टेंट भी लगा रखे हैं जो कि ऑब्वियसली फ्री टू डू है। इतना सुंदर लग रहा है, इमेजिन, यानी अपन पेंटिंग में भी इतना अच्छा खुद के दिमाग से नहीं बना सकते जितना अच्छा लग रहा है नेचुरल। देखो वहाँ ये कलर भी आपको सूट करता है टॉप। इस पार्क में ये देख के भी मम्मी सरप्राइज हो गई कि उनके एज की लेडीज भी यहाँ पे चाइना में इतना ड्रेसअप करके मेकअप करके निकलती है, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम एंजॉय करती है। तो सुबह तो बोल रहा था इवान उसको जाना है पार्क, उसको बाहर घूमने जाना है, लेकिन यहाँ पार्क में आते ही बोलने लग गया कि मुझे वापस घर जाना है। फिर उसने यहाँ बच्चों को देखा खेलते हुए, तो थोड़ी देर उसको यहाँ खिला दिया, लेकिन फिर हम घर ले गए। उसका बुखार फिर से चढ़ने लग गया था। इवान हॉस्पिटल से डरता है तो बोलने लग गया कि वो ठीक हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। सीरियसली ऐसा मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि एक बच्चा इतना भी बीमार पड़ सकता है कि वो चल नहीं पाए, वॉशरूम तक भी नहीं जा पाए, खड़ा ही नहीं हो पाए और बोल भी नहीं पाए। इवान वैसे तो पिन प्रिक से रोता नहीं है, बट अभी इसको इतना बुखार है तो बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर देता है। चाइना में बच्चों का और प्रेग्नेंट लेडीज का टेस्ट वगैरह सिर्फ पिन प्रिक से होता है, एकदम एक बूंद से भी कम खून निकाला जाता है। यहाँ हॉस्पिटल आके मुझे कंफर्म हो गया कि बच्चों का बहुत बुरा वाला वायरल फैल रहा है यहाँ। यहाँ हॉस्पिटल में कुछ बच्चे बुखार और सर्दी से इतने बीमार आए थे कि व्हील चेयर में उनके पेरेंट्स को लाना पड़ रहा था उनको। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग इसको पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं लाए। मैं ये मानती हूँ कि बच्चों को सर्दी जुकाम होती है तो उनको फीवर चढ़ता है, बॉडी का फाइट करने का मैकेनिज्म है, फीवर फाइट करता है वायरस से, तो उसको करने देती हूँ। मैं यूजुअली मेडिसिन नहीं देती हूँ फीवर उतारने वाली, मोस्टली मैं पट्टियां वगैरह लगा के इसका फीवर उतार देती हूँ मैनुअली। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है ना, उसका फीवर पट्टियों से भी नहीं उतर रहा है, इतना हाई जा रहा है, और मुझे डर ये लग रहा था कि इसको निमोनिया ना हो जाए, उसी वजह से मैं इसका टेस्ट कराने लाई हूँ। वैसे निमोनिया के सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और यहाँ पे इसको एक मच्छर भी काट गया गार्डन में शैतान। मैं इवान के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ इस जगह पे क्योंकि पार्क में बेंच है, कंपेरेटिवली हॉस्पिटल से ज्यादा साफ होती है इसलिए, और मैं वेट कर रही हूँ ओडिन रिजल्ट्स लेके आएगा। आधे घंटे में रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जो भी हमने टेस्ट कराए दो, एक तो कोविड का कराया और एक और ब्लड टेस्ट भी कराया। ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा इसको क्या है प्रॉब्लम। तो बेसिकली ना इवान को बिल्कुल एक सेकेंड के लिए भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है, 3-4 दिन से इवान की ऐसी ही हालत है।
इवान ना अपने लाइफ के 1.5 ईयर तक तो उसको एक सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं हुआ था। फिर जैसे बाहर जाने लग गया ना, कोविड के रिस्ट्रिक्शन हटे थोड़े बहुत, फिर ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीमार पड़ता था, बट रेयरली। बट जब से स्कूल जाने लगा है तब तो यानी सारे बच्चे कैच करते ही, इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन लास्ट ईयर जब इवान को खांसी हुई थी ना, 10 दिन तक रही थी बहुत ज्यादा खांसी, बट ही डिड नॉट गेट वीक। इस बार ऐसा हुआ कि इसको खांसी हुई है, फीवर बहुत हाई हो रहा है जो जा नहीं रहा नीचे, एंड ही इज सो वीक, यानी इसको खड़ा नहीं रहा जा रहा, बोलने में इसकी आवाज लड़खड़ा रही है, कांप रहा है। कल परसों से मैं देख रही हूँ उसके हाथ कांप रहे, पानी भी पी रहा है तो, और आवाज कांप रही है, और बैठता तो पूरी बॉडी कांपती है, जैसे वीकनेस बहुत ही एक्सट्रीम टाइप की वीकनेस हो रही है। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम इवान में देखी है इस टाइप की वीकनेस। फीवर इसको पहले भी चढ़ चुका है हाई, लेकिन उतर जाता था दिन में, अभी दिन में भी नहीं उतर रहा। ये हॉस्पिटल के अंदर का ही है, काफी रोड्स बनी हुए हॉस्पिटल के अंदर भी, वहां से एक डॉक्टर भी आ रहे हैं। खाना एकदम बंद कर दिया, पानी भी नहीं पी रहा ज्यादा, रात को भी नहीं खाया, अभी भी नहीं खाया। इसको दलिया जैसा मैंने बना के दिया, हेल्दी करने के लिए मैंने थोड़ी सा नट्स और राइस और बीन्स वगैरह मिला के उसको अच्छे से पका दिया, वो पड़ा हुआ है, अगर उठेगा तो मैं दूंगी उसको। ओडिन ने बोला कि इसके टीचर ने बताया था कि बहुत सारे बच्चे बीमार है इसकी क्लास में। ये डॉक्टर बार बार यहाँ से निकल रहे हैं, लगता है इनकी फील्ड जॉब है, फील्ड वाली। मैं ये टावल वगैरह भी लेके आई थी क्योंकि मुझे पता था इसका बुखार उतारना पड़ेगा, बुखार ही नहीं उतर रहा। और हमारे पास कुछ चिल्ड्रंस पैरासिटामोल नहीं है, सारी एडल्ट वाली है। ओडिन आ गया, मुझे दिख रहा है यहाँ से, लगता है टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए। और जैसा मैंने गेस किया था, उसको निमोनिया या कुछ सीरियस नहीं हुआ था, डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स और पैरासिटामोल दे दी। इवान कार्टून देखते देखते सो गया है यहाँ पे, इसको घर आने की बड़ी जल्दी लग रही थी। ये कुछ दवाइयाँ भी दी है, एक कॉफ सिरप भी दिया है ये वाला, ऑल्दो मुझे लगता है कि कफ सिरप्स काम नहीं करते हैं। तो ओडिन मम्मी के लिए वेजिटेरियन पिज्जा लाया है आज। ये डूरियन होता है ना जो अजीब सी स्मेल आती है, जिसमें वो वाला फल है उसके साथ चीज है बस। पहली बार मम्मी ये फ्रूट टेस्ट कर रही है, डूरियन। हाँ, इसको डूरियन ही बोलते हैं। अलग से स्मेल आएगी मम्मी, स्मेल दूर से अजीब सी आती है कचरे वाली, लेकिन पास से अच्छी लगती। इसके साथ ये सॉस भी आए, ये इवान के लिए चिकन नगेट्स, पिज़्ज़ा। या यू वांट पिज़्ज़ा इवान, आई विल गिव यू पिज़्ज़ा इवान। तो आज सुबह सुबह मौसी का कॉल आ गया मम्मी को, और मम्मी बताने लगी उनका एक्सपीरियंस यहाँ चाइना में, कि कितना अलग है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, यहाँ के गार्डन्स पार्क्स वगैरह के बारे में। तो फाइनली दवाई लेने के 2 दिन बाद इवान थोड़ा ठीक हुआ, चलने फिरने लगा और खाने भी लग गया। लगभग 1 हफ्ते के बाद पहली बार था ये टाइम कि इसने इतने अच्छे से खाया। इसने एक्चुअली मांगा मुझसे कि इसको नूडल सूप चाहिए, और मैंने इसका फेवरेट नूडल सूप बनाया और पूरा लगभग उसने ख़त्म कर दिया, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। लास्ट 2 दिन हम कहीं नहीं गए, मम्मी अकेले जाती थी घूमने के लिए वॉक पे, बट मैं और ओडिन बस घर पे इसकी देखभाल में लगे रहे थे। आज मुझे रियलाइज़ हो गया है कि जब बच्चे बीमार हो तो उनको घर पे ही रखना चाहिए, एकदम फुल रेस्ट की ज़रूरत होती है, थोड़ा भी बाहर जाने से इनकी तबीयत और बिगड़ जाती है। एनीवेज गाइज, आज के व्लॉग में इतना ही, आपको मैं अपडेट देती रहूँगी। नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा इस व्लॉग की तरह, जल्दी व्लॉग डालने के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय गाइस। वाओ इवान, थैंक्स।